एक समय की बात है, एक चिड़िया कई महीनों से पिंजरे से आज़ाद होने की कोशिश कर रही थी और एक दिन उसे सफलता मिल ही जाती है और वो पिंजरे से बाहर निकल जाती है। चिड़िया सीधे जंगल की तरफ उड़ जाती है और जंगल का वातावरण देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है और चिड़िया को वहाँ पर कई तरह के पके फल खाने को मिलने लगे। अब वो पूरी तरह आज़ाद हो गई थी। जंगल में घूमते घूमते चिड़िया को एक बतख का बच्चा दिखता है और बतख का बच्चा पेड़ के नीचे सो रहा होता है। बतख को सोता देख के चिड़िया के मन में नटखट विचार आता है और वो बतख के बच्चे को परेशान करने की सोचती है। चिड़िया कभी बतख के सिर पर बैठकर चोंच मारती है तो कभी उसकी पीठ पर बैठकर चोंच मारने लगती है। वो बहुत देर तक वो ऐसे ही करती रहती है। बतख का बच्चा जैसे ही उड़ता है, चिड़िया फुर्ती से पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाती है और हंसने लग जाती है। बतख ने चिड़िया से पूछा, आखिर क्या बात है, मुझे परेशान क्यों कर रही हो? चिड़िया हंसते हुए जवाब देती है, कुछ नहीं दोस्त, मजाक कर रही हूँ। ये सुनकर बतख का बच्चा फिर से सो जाता है। बतख के बच्चे को फिर से सोता देख चिड़िया वापस से उसके सिर पर चोंच मारती है तो कभी पीठ पर चोंच मारती है। वो उसको फिर से परेशान करने लग जाती है। बतख का बच्चा उठकर दूसरी जगह जाने लगता है और चिड़िया भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाती है। बतख का बच्चा सोचता है, ये चिड़िया मुझे वापस से परेशान करेगी, क्यों न इसे एक मज़ा चखा दिया जाए। बतख का बच्चा जल्दी से पानी के अंदर चला जाता है, उसका सिर ही दिखता है और चिड़िया सोचती है कि बतख का बच्चा मुझसे डरकर पानी में छिप रहा है और चिड़िया उसके सिर पर बैठ जाती है और जल्दी से बतख का बच्चा चोंच में पानी भर लेता है और चिड़िया के ऊपर डाल देता है। चिड़िया के पंख गीले हो जाते हैं और चिड़िया पानी में गिर जाती है। बतख का बच्चा बहुत खुश होता है पर चिड़िया बहुत तेज चिल्लाती है कि बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। बतख को दया आ जाती है और वो चिड़िया को बचा लेता है और चिड़िया उससे माफ़ी मांग कर कहती है कि मुझे समझ आ चुका है, बड़ों और छोटों के बीच का अंतर मुझे समझ आ गया है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, अगर आप अपना इज्जत और शोहरत पाना चाहते हैं तो सबसे पहले दूसरों को इज्जत देना शुरू कीजिए। लोग अपने आप आपको इज्जत देना शुरू कर देंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय बाय।